हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और ये देखिए करेक्ट 5 बजे का टाइम है। अब मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। देखिए मतलब ओस आज भी गिरी हुई है और धुंध मतलब है, कल नहीं थी बिल्कुल भी लेकिन आज है। देखिए मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते लेकिन नॉर्मली है धुंध, कल बिल्कुल भी नहीं थी, ओस बहुत ज़्यादा थी कल, लेकिन आज मतलब दोनों चीज़ें हैं। और ये देखिए मैं फटाफट नीचे आ जाती हूँ और फिर मैं चढ़ा देती हूँ चाय को, क्योंकि पतीला आज भी भारी था तो मैंने गैस के ऊपर पहले चाय को चढ़ा दिया है। मतलब जो भी चीज़ें चाय की डलती हैं मतलब वो डाल देती हूँ, चीनी के अलावा, चीनी मैं बाद में मिलाती हूँ जब मेरे हस्बैंड जी की निकाल देती हूँ, उसके बाद में वो फिर दिखाती हूँ मैं आपको दूसरी तरफ में। देखिए यहाँ पर भी देखिए कितनी बुरी तरह मतलब साइकिल की सीट के ऊपर भी है और ये साइकिल सात गियर की। देखिए कल मैंने इसके ऊपर गोबर लगा दिया था क्योंकि ये थोड़ी सी फटने लग गई थी और पानी नहीं आया और फिर मैंने लाइट को ऑन कर दिया। फिर मैं चल देती हूँ कॉलेज चलाने के लिए मेन गेट को खोलकर, जैसा कि मेरे को बता रखा है वैसा प्रोसेस मैं कर देती हूँ। ये काम मैं दोनों टाइम करती हूँ, मतलब सुबह भी करती हूँ शाम को भी करती हूँ। सुबह का मैं आपको दिखा देती हूँ, शाम का मैं नहीं दिखाती हूँ क्योंकि सेम प्रोसेस होता है, सेम ऐसे के ऐसे ही करना होता है। उसके बाद में फिर मैं मतलब जाती हूँ, तब तक कि मेरी चाय उबल जाती है और उसमें मैं डाल देती हूँ दूध। और ये देखिए मैंने डाल दिया दूध, और मतलब दूध डालने के बाद जब तक पकती है तब तक क्या मैं बर्तन वगैरह सेट कर देती हूँ, जो कि रात को धोते हैं वो वाले जितने भी होते हैं सारे के सारे, मतलब जहाँ पर जिसकी जगह होती है वहाँ पर वो जचा दिए जाते हैं। और ये देखिए ये है हमारी छोटी सी किचन, प्यारी सी किचन, और इसमें जहाँ पर भी जो चीज़ें रखी होती हैं वहीं पर ही मेरे को जचाना होता है। मैं मतलब उन चीज़ों को दूसरी जगह नहीं जचा सकती, और मतलब जहाँ पर भी सेट कर रखा है वहीं पर उनको जचाना होता है। और ये देखिए जचा दिए सारे बर्तन, तो उसके बाद मैं चाय लेकर आ जाती हूँ ऊपर और सबको चाय दे देती हूँ। फिर मैं मेरी चाय पी लेती हूँ, चाय पीने के बाद मैं आ जाती हूँ मैं नीचे वापस और फिर मैं काम करने लग जाती हूँ पानी गर्म करने का। गुनू को मैंने जब कोले से लाए थे उससे पहले ही मैंने उसको खड़ा कर दिया था, गुनू पढ़ रही है, गुनू गुनू के चल रहे हैं पेपर। फिर मतलब इस पानी से अब गुनू नहाएगी, उसके बाद में जो पानी गर्म करूँगी उससे मैं नहाऊँगी, तब तक क्या है गुनू अपनी पढ़ाई कर लेगी। और ये देखिए मैंने आग को जला दिया, आग जलती है तब तक क्या मैंने मेन गेट के आगे से झाड़ू लगा देती हूँ। धोने से मेरे को मना कर दिया गया कि यहाँ से नहीं धोना है तो मैं नहीं धोती हूँ, मैं मतलब सब झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि जितना कहा जाता है उतना मैं कर देती हूँ, उससे फालतू मैं नहीं करती हूँ क्योंकि चलो मैं नहीं करती हूँ इतना ही बहुत है। और उसके बाद में देखिए मैंने लगा दिया झाड़ू, उसके बाद में हो जाता है पानी गर्म और फिर मैं निकाल देती हूँ गुनू के लिए पानी और गुनू नहा लेती हूँ। उसके बाद में मैं गुनू तैयार हो लेती है और मैं मेरा पानी गर्म करके मैं नहा लेती हूँ। उसके बाद में मैं क्या करती हूँ मतलब अपनी पूजा पाठ के अंदर लग जाती हूँ क्योंकि मैं मेरी पूजा पाठ डेली करती हूँ, जो भी मतलब मेरे इष्ट देवता हैं और मतलब शंकर भगवान जी और उसके बाद में मेरे सूर्य देवता जी और मेरी तुलसी मैया, मतलब तीनों को जल मैं डेली की डेली देती हूँ। और ये दिखा देखिए निकाल दिया, गुनू का पानी बिल्कुल रेडी हो चुका है और मतलब इसमें पानी गर्म करने में कम से कम आधा घंटा लगा सकते हैं कि मतलब आधा घंटा तो लगेगा ही लगेगा। और ये देखिए मैंने कर लिया, इसमें मैंने मेरे इष्ट देवता मतलब शिवलिंग को स्थापित किया और मैंने ले ली मतलब सूर्य देवता को जल सिंपल धूप लगाती हूँ और सिंपल साई बाबा के ऊपर जल चढ़ा देती हूँ। और उसके बाद में करती हूँ मेरे सूर्य देवता की पूजा, मतलब जहाँ से मेरे सूर्य देवता पूर्व दिशा की तरफ से निकलते हैं उस साइड से मैं उनको जल दे देती हूँ। और ये देखिए इस साइड से निकलते हैं हमारे सूर्य देवता और फिर यहाँ पर मैं जल दे देती हूँ। उसके बाद में मैं बाबा जी को नहलाने के बाद में फिर मैं आज गुन्नू की रोटियाँ बनाऊँगी क्योंकि गुन्नू को जाना है स्कूल में, तो गुन्नू के लिए मतलब पेपर चल रहे हैं तो उसको स्कूल में जाना, तो उसके लिए मैं खाना बनाऊँगी। देखिए बाबा जी हो गए बिल्कुल तैयार, बाबा जी को चाय दे दी है मैंने पहली बार की और हमने पी ली दोबारा की चाय। बाबा जी को चाय ज़्यादातर बिस्किट वगैरह या स्नैक्स वगैरह के साथ में देती हूँ, पराठा वगैरह बहुत कम देती हूँ। ये देखिए मैंने बनाने शुरू कर दी रोटियाँ, आटा मैंने पहले लगा दिया था मतलब बाबा की ज्योत करने से पहले, क्योंकि तब तक आटा क्या हो जाता है सेट हो जाता है, 15-20 मिनट आधा घंटा का गैप हो जाता है तो आटा बिल्कुल रेडी हो जाता है और मतलब रोटियां फटाफट सही सही बन जाती हैं। देखिए मतलब एक के ऊपर मैंने दूध को रख रखा है और एक के ऊपर मैंने फटाफट रोटियां बना दी हैं। और उसके बाद मतलब चाय वगैरह पी ली हमने और अब मैं लग जाती हूँ सफाई के अंदर। चेष्टा बाबू को साथ के साथ में मैं पराठा खिला रही हूँ और मैं कर रही हूँ इस कमरे की सफाई वगैरह। और चेष्टा बाबू मतलब पराठा खाता है तो फ़ोन का यूज कर रहा है, तो मतलब वो फ़ोन देख रहा है और मतलब मेरी तरफ नहीं देख रहा है ना आपकी तरफ देख रहा है, वो सिर्फ फ़ोन देख रहा है। और मैं करने लग गई हूँ अपनी डस्टिंग वगैरह और मतलब बिस्तर ठीक करूँगी बाद में क्योंकि चेष्टा बाबू ने उठ रखी है रजाई को, तो रजाई वगैरह बाद में ठीक करूँगी।
लिए। और ये देखिए सब कुछ सोफे वगैरह सब कुछ ठीक कर दिए हैं मैंने, और चेष्टा बाबू को मतलब ये करूँगी और बाहर झाड़ू लगाऊँगी, तब तक क्या है गुन चेष्टा बाबू का पराठा ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद में देखिए यहाँ से पानी सबका गर्म हो चुका है और फिर मैं यहाँ से राख वगैरह निकाल दी है, और निकालने के लिए देखिए मैंने यहाँ से झाड़ू लगा दिया है, क्योंकि मतलब इस साइड में या तो इस झाड़ू का यूज़ करती हूँ या फिर छोटा झाड़ू होता है उसका यूज़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ से झाड़ू काला हो जाता है क्योंकि राख वगैरह यहाँ पर ज़्यादा फैलती है। तो नॉर्मली जो अंदर झाड़ू लगता है उसका यूज मैं यहाँ पर नहीं करती हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल गंदा दिखने लग जाएगा, तो उसका यूज मैं नहीं करती हूँ। और ये देखिए फटाफट यहाँ से कर दिया मैंने, जितनी भी छोटी मोटी लकड़ियाँ होती हैं इसके अंदर वापस डाल दी जाती हैं, क्योंकि उसका यूज बाद में हो जाएगा। फिर मैं यहाँ से धोने का काम शुरू कर देती हूँ, देखिए धोना शुरू कर दिया है, और पानी आज नहीं आया है तो पानी आज ख़त्म भी हो सकता है, क्योंकि पानी कल टंकी नहीं भरी थी, आया तो था कल लेकिन टंकी नहीं भरी थी, तो मतलब 2 दिन मुश्किल से ही चलता है पानी, तो देखते हैं यदि चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर इतनी देर में ही क्या है पानी ख़त्म हो जाता है। फिर मैं पाइप को चेंज कर देती हूँ और मोटर के अंदर पानी चला देती, मतलब टंकी के अंदर पानी चला देती हूँ, मतलब पानी ख़त्म हो गया। फिर मैं दे देती हूँ बाबा जी को दोपहर का खाना, और फिर मैं लगा देती हूँ अंदर झाड़ू, मतलब इस साइड का जहाँ पर खाना वगैरह बनता है उस साइड का मेरा पूरा कम्प्लीट हो चुका है। और ये देखिए सारी की सारी सफाई मेरी पूरी कम्प्लीट हो गई है, न मैं आगे जा रही हूँ न पीछे जा रही हूँ, बिल्कुल बीच में खड़ी हुई हूँ, पंखा मैंने चला रखा है और सब कुछ गिला है, तो मैं एक जगह खड़ी होकर आपको सारा का सारा दिखा दिया कि सब कुछ मैंने गिला कर दिया, मतलब पोछा लगा दिया है। देखिए सब कुछ गिला है, फैन मेरा चल रहा है, इस साइड का लगभग सूख चुका है, देखिए बर्तन वगैरह सब कुछ साफ कर दिए, चेष्टा बाबू बाहर है मेन गेट से बाहर, और ये देखिए ये कमरा भी मैंने सेट कर दिया, रिजाई वगैरह सब कुछ उठा दिए, क्योंकि गुच्छे उस टाइम के ऊपर नहीं उठाई थी, क्योंकि चेष्टा बाबू बैठ कर मतलब खाना खा रहा था, चेष्टा बाबू रहा बाहर, मतलब मेन गेट से बाहर है वो। और मेरी सफाई हो गई पूरी कम्प्लीट, अब मैं लग गई हूँ ऊपर, थोड़ी बहुत धूप निकल गई है, तो यहाँ से झाड़ू लगाने के बाद मैं दोनों चारपाई बाहर निकाल दूंगी और उसके ऊपर फैला दूंगी सारे के सारे कपड़े, क्योंकि धूप निकल चुकी है तो मतलब कपड़े इतने ज़्यादा हो चुके हैं, मतलब सबको यदि थोड़ी बहुत धूप लग जाएगी तो उनको समेट कर रख दूंगी, और नहीं तो बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, क्योंकि मतलब अंदर रखते हैं ना वैसे के वैसे ठंडे हो जाते हैं और मतलब गीले गीले महसूस होने लग जाते हैं, तो फिर मतलब आज धूप लग जाएगी तो थोड़ा बहुत उनको समेट के रख दूंगी, तो फिर मतलब ये हो जाएगा हाँ ये कपड़े सूख गए हैं, क्योंकि धूप लगने के बाद में ना मतलब उनके सीलन वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाती है, तो रिजाई से लेकर सब कुछ बाबा के कपड़े वगैरह सब कुछ मैं बाहर डाल देती हूँ दोनों चारपाई के ऊपर, और इतने सारे कपड़े स्टोर हो चुके हैं बहुत ही ज़्यादा। और ये देखिए हो गई है सफाई ऊपर की भी कंप्लीट, और देखिए सब कुछ साफ। अब मैं दिखाती हूँ कपड़े, देखिए मतलब बिल्कुल धूप के अंदर कर रखा है, सूख रहा है, इस साइड 2 ही चारपाई आती है, 3 आती तो तीनों के ऊपर भी फैला देती हूँ मैं, देखिए सब कुछ फैला दिया है मैंने कि इन सबको धूप लग जाए और फिर मैं इनको समेट कर रख दूँ। फिर देखिए सब शाम हो जाती है, शाम की चाय बना दी है, बाबा जी को दे दी है, और मेरा लाडू जी देखिए क्या कर रहा है, जब मैं ज्योतपत्ती कर रही थी वो अपनी पढ़ाई कर रही है अपने बाबू जी के साथ में, इतनी देर में मोटा चिमू आ जाता है, ये बैठा हुआ मोटा चिमू। फिर कर देती हूँ मैं मेरे पितरों की ज्योत, जय मेरे पितर देवा, और ये है मेरा रात का खाना जो बाबा जी को दे दिया, उसके बाद में बाबा जी सो जाते हैं, मेरा लाडू जी सो जाते हैं। ओके गुड नाइट फ्रेंड्स, जितना भी सपोर्ट दिया उसके लिए धन्यवाद, हम सोने की तैयारी कर रहे हैं, ओके बाय।